हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ भटके डुबके की रेसिपी। एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने ये रेसिपी जो ऑथेंटिक होती है उसे थोड़ा सा चेंज किया है, वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी कि थोड़ा सा जो चेंज है वो क्या है। ठीक है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर भी सकते हैं और मैं बताती भी रहूँगी कि ये चीज़ नहीं डलती है, आप इसको नहीं भी डाल सकते। ये एक पहाड़ी डिश है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बनती है। इसको समर में खाया जाता है क्योंकि ये थोड़ी इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, और इंग्लिश में हम इसको ब्लैक सोयाबीन लेंटल्स कहते हैं। ये कुमाऊं रीजन की स्पेशल दाल है। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको भिगा देना पड़ेगा ओवरनाइट। वैसे तो इसको पीसने के लिए सीलबट्टे का यूज़ किया जाता है, बट मैं यहाँ पर इसको मिक्सर जार में पीस रही हूँ। तो इसको डाल लेना है। उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें डाल देंगे जैसे कि अदरक। इसको मैं मोटा मोटा ही कट करके डाल दे रही हूँ क्योंकि इसने एट लास्ट पीस नहीं है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है लहसुन। ठीक है, जितना मैं डाल रही हूँ उतना देख लीजिए आप, इतना इतना डाल दिया जाता है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ मिर्चें। जो इसकी रियल रेसिपी है उसमें टमाटर और प्याज नहीं डलता है, पर मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं हाफ ही कट करके डाल दूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं है, छोटे छोटे ही टमाटर हैं और ये एट लास्ट पिस ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल रही हूँ। इसमें चावल का आटा भी डलता है, तो वो आप अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप 2 चम्मच भिगा कर फिर उसको पीस करके आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आटा डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी ताकि ये आराम से मिक्सर घूम सके और ये ब्लेंड हो सके। अब ये देखिए, पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें सब कुछ ऑलरेडी मिक्स है तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो इसमें डाल दिया वो मिक्स हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको निकाल ले रही हूँ एक दूसरे बोल में, और इसमें थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि ये इतना, मतलब जब मैं इसको तेल में डालूँ ना तो ये एकदम से चिपक ना जाए, इसके लिए इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक लोहे की कढ़ाई रख दी है और गैस ऑन कर दी है। इसमें मैं अब तेल डालूंगी, और वैसे इसमें घी डाला जाता है, यहाँ पे फिलहाल मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देसी घी डाला जाता है वैसे। और इसमें डालते हैं हम ज़ीरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। वैसे इसमें प्याज नहीं डाला जाता है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा पिंकिश ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसको तब तक भून लूँगी। और भुनने के बाद मैं इसमें धनिया और हल्दी, ये 2 चीज़ फ़िलहाल मैं ऐड कर रही हूँ। और नमक मैंने नहीं लिया था, फिर उसके बाद वापस कर दिया क्योंकि नमक इसमें पहले नहीं डाला जाता है क्योंकि वो थोड़ा फट सा जाता है, अलग अलग सा थोड़ा सेपरेट सा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बाद में डालेंगे। इसको हल्का सा भून दूंगी, बहुत बहुत धीरी है ये, गैस की जो आंच है ना वो बहुत ही ज़्यादा धीरे है। अब इसमें जो हमारे मेन जो ये दाल पीसी गई है ना, इसको डाल दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पानी मिक्स कर दिया, थोड़ा सा बोल आप देख सकते हैं कि भर गया है ना, क्योंकि नहीं तो एकदम से गाढ़ा डालेंगे ना तो वो चिपकने लगेगा। तो ये मैंने डाल दिया और फटाफट से इसको हिला दीजिए, और नहीं ये थोड़ा सा चिपक सकता है। अब अच्छे से हिल गया है तो फिर अब नहीं चिपकेगा, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसी बोल में मैंने थोड़ा सा पानी और डालकर इसमें फिर और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ठीक है, तो अब इसको उबाल आने तक हम इसको वेट करेंगे, और इसमें फिर हम बीच में हींग भी डालेंगे। जब उबाल आ जाएगा ना थोड़ा सा, तब हींग डाल देंगे। कुछ लोग तेल के वक्त ही डाल देते हैं, मैं फ़िलहाल बाद में डालती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा उबाल आने का इंतजार कर लेते हैं। तो हल्का सा ये देखो हो गया है, जरा सा उबाल, उतना अच्छा सा तो नहीं आया, फिर मैंने इसमें डाल दिया है हींग। अब जब उबाल आता है ना, तो ये जैसे हम कड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ऊपर को जाता है ना, तो जैसे दाल वाल ऊपर को नहीं आती है, पर ये उबल ऊपर को आती है। जैसे आप देख सकते हैं ना, जैसे दूध वगैरह आता है उस तरीके से ये ऊपर को आ जाता है, क्योंकि ये एक सोयाबीन ही है, बट इसका जो कलर होता है ना वो ब्लैक होता है, और उसका टेस्ट थोड़ा उस सोयाबीन से थोड़ा सा अलग होता है, बट थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही होता है, इसीलिए तो इसको ब्लैक सोयाबीन लिंटल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसको हिलाते रहना है। अब मैं इसको
इसमें, फिर बीच में मैं जो नमक भी डालना है बाद में डालूंगी, जैसे उबाल आता है ना उसके बाद ही हम इसमें नमक डाल सकते हैं, उससे पहले डालेंगे तो ये थोड़ा फटाफटा सा हो जाएगा, मतलब पानी अलग और इस मतलब जो दाल की जो पानी है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा, दाल थोड़ी अलग अलग सी रहेगी। अब मैंने देखो इसमें उबाल आ गया है तो मैंने इसमें क्या डाल दिया है, नमक डाल दिया, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी लगे वैसा आप इसमें डाल दीजिए। अब ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो देख लीजिए, मैं इसको गैस को कम कर रही हूँ, बाद में इसको शिफ्ट भी कर दूँगी दूसरी वाली गैस में क्योंकि थोड़ी बड़ी गैस, तो इसको कम करने पर भी ये थोड़ा सा ऊपर ही आ जाता है। तो ये देखिए इसको मैंने छोटे वाले में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये देखिए बन गए हैं ये टेस्टी टेस्टी, बस इसको थोड़ा सा और थोड़ी देर और पकाया जाएगा और हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा खाना है जो कि हम इस दाल को मतलब हम चावल के साथ खाते हैं और ये समर में खाई जाती है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती है अगर इस तरीके से बनाया जाता है। इसी में ना भटकी चुटकानी भी होती है, वो उसको ठंडियों में खाया जाता है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ बोल में और थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दूँगी ऊपर से, एक्चुअली ये धनिया भी ऐड नहीं होता है इसमें, ये मैं डाल रही हूँ अपनी तरफ से ताकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारी रेसिपी आप देख सकते हैं तैयार है और कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, जो पहाड़ी लोग हैं वो जानते हैं कि इसका टेस्ट क्या आता है। इस ये दाल ना और दालों से बहुत ही अलग होती है, इसको खाने में ना कुछ मीठापन सा आता है जो अलग ही है, हम किसी और दाल के साथ इसको कंपेयर कर भी नहीं सकते। तो इस तरीके से दिख रही है दाल, अब हम इसको चावल के साथ खाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।